Hello everyone, welcome to Solitude Education. My name is Amir Reza. I'm a civil engineer by profession and I'm here to give you some brief knowledge about the upcoming technology that is going to be used in our civil engineering field. Like if you talk about our parents, जिन्होंने अपने जो भी घर बनाना था, महल बनाना था, roads बनानी थी, उनके लिए उन्होंने stones use किए, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल्स यूज़ किए। जैसे हम पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में जो हमारे किंग्स होते थे वो अपने महल बनाने के लिए दाल का यूज़ करते थे, लेंटल्स का, जो कि अब हम नहीं कर रहे। हम अपग्रेड हुए उनसे और हम अब ब्रिक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो क्ले की ब्रिक्स हो, चाहे वो कॉन्क्रीट की ब्रिक्स हो, चाहे वो फ्लाई ऐश की ब्रिक्स हो, और उसके लिए बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का यूज़ करते हैं हम। लेकिन क्या हम ये आगे भी यूज़ करते जाएंगे? नहीं, ये रुकेगा एक न एक दिन। तो अब जो है, अब हम अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी इशूज़ है कंस्ट्रक्शन में, बहुत ज़्यादा है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और भी चीज़ें हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए और जो कॉस्ट है और जो टाइम है उसको बचाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो यूज़ कर रहे हैं लोग आज के ज़माने में, और वो ट्रायल पे है, फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं उसको। कई जगह पे ये फर्स्ट जनरेशन में काम कर रहे हैं, कई जगह स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मेरे को भी लगता है और आपको भी आई गेस लगेगा, वो है 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग के बारे में हम जानेंगे। 3D प्रिंटिंग होता क्या है? 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3-डाइमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। होता क्या है, कोई भी डिजिटल फाइल होती है, लाइक ड्राइंग्स मान लो आप, या फिर कोई भी ऐसी, मतलब ड्राइंग्स ही होती है नॉर्मली मेनली, तो ड्राइंग्स के थ्रू हम इनपुट देते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर इनपुट देता है हमारे जो मशीन है उनको, और जो मशीन है वो हमें प्रिंट करके देती है ऑब्जेक्ट। जो प्रिंट होता है वो, हम वो जीरोक्स वाली प्रिंट की बात नहीं कर रहे, हम बात करें 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट की, जो कि रियल लाइफ में 3-डाइमेंशनल होता है। 3-डाइमेंशनल का मतलब है एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी, जेड में भी। जो 2D होता है वो सिर्फ एक्स और वाई में होता है, जो कि हम 2D की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे 3-डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात। तो ये तो हो गया होता क्या है 3D प्रिंटिंग। अब बात करते काम कैसे करता है ये। द रिक्रिएशन ऑफ अ 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड बाय एडिटिव प्रोसेस। अब ये कह रहा है जो 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट है ना, उसको एडिटिव प्रोसेस करके अचीव किया जाता है। लेकिन एडिटिव प्रोसेस होता क्या है ये भी तो जानना होगा कि एडिटिव प्रोसेस होता क्या है। एडिटिव प्रोसेस का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को लेयर बाय लेयर डिवाइड करके एक के ऊपर एक रखना, लेकिन वो दोनों जॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक के ऊपर एक लेयर रख रहे हैं लेकिन वो जॉइंट नहीं हो पा रहे, उन्हें जॉइंट होना होगा। होता क्या है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे सेम ऑब्जेक्ट रख दिया, सेम थिकनेस का, अलग अलग थिकनेस का भी हो सकता है, फिर नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया। ऐसे काम करता है एडिटिव प्रोसेस, ये होता है। इन द एडिटिव प्रोसेस इट इज क्रिएटेड बाय लेयरिंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल्स अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ईच ऑफ दिस लेयर कैन बी सीन एज अ टाइनली स्लाइस्ड क्रॉस सेक्शनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने जो बताया आपको अभी कि हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं, वही चीज ये सेकेंड पॉइंट में बताया जा रही है आपको कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम उसके 3D प्रिंटिंग के लिए उसके मटेरियल को अलग अलग स्लाइस में, थिन स्लाइसेस में डिवाइड करके एक के ऊपर एक रख के उसको ज्वाइन कर देते हैं, तब हमें 3D प्रिंटिंग का जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए वो मिलती है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखो, ये हमारे लिए तो, हम सिविल इंजीनियर है तो हमें 3D प्रिंटिंग के लिए हमारे एग्जांपल भी हमारे फील्ड का चाहिए। जैसे कि ये है, ये एक 3D प्रिंटेड घर है और ये रियल लाइफ में है, ये कोई वो नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, नहीं, ये रेजिडेंशियल हाउस है रियल लाइफ का। और ये बना कैसे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैं कह रहा था लेयर बाय लेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, एक नीचे ये लेयर है। इस साइड देखोगे आप तो एक ये है, ये है, ये सब लेयर बाय लेयर रख के ये कॉन्क्रीट की 3D प्रिंटिंग है। ये ना प्लास्टिक की है, ना रेजिन की है, ना किसी और चीज़ की, ये कॉन्क्रीट की 3D प्रिंटिंग हो रही है, ये बात आप ध्यान रखना। अब वही बात कि काम कैसे करता है, जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, तो काम ही ऐसे करता है, ये ऑफिशियल ऑटोकैड के वीडियो से मैंने लिया है, तो ऐसी कुछ नहीं है कि मैं ये कहीं से उठा के डाल रहा हूँ, नहीं, ये ऑफिशियल ऑटोकैड का ही वीडियो है जो उन्होंने बना के बताया था कि 3D प्रिंटिंग कैसे कर सकते हो आप ऑटोकैड से। तो
तो उन्होंने जो बताया वीडियो में वो ये था, टू प्रिंट एनी 3D ऑब्जेक्ट यू नीड टू गिव इनपुट टू द इनपुट ऑफ द ड्रॉइंग और द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। होता है कि अब 3D प्रिंटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो ड्रॉइंग्स है उससे कर सकते हो, नहीं, आप इमेज लोगे, इमेज को डालोगे आप सॉफ्टवेयर में, वो खुद ही अपना सारा कुछ वो प्रोसेस कर लेगा, कितना डेप्थ चाहिए, कहाँ पे कैसा चाहिए, उसके सरफेस सारा कुछ वो खुद कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ ड्रॉइंग से ही कर सकते हो, नहीं, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, फोटो से भी कर सकते हो, ये आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, नॉर्मल चीज़ है। तो एक ऑटोकैड में ऐसा आप दोगे इनपुट, ऑटोकैड में इनपुट देने का ऑप्शन आता है 3D प्रिंटिंग के लिए, वो इनपुट देने के बाद आपका ऐसा, ये जैसा आप देख रहे हो ना ड्राइंग, इसके ये आउटपुट निकला है 3D प्रिंटिंग में, आप ये देख सकते हो, ये 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ में, जो कि ऑटोकैड से दिया गया है। इसके सिर्फ ऑटोकैड से आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप ये देख सकते हो नीचे, ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हो, ये कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ ऑटोकैड से करो, नहीं, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ऑटोडेस्क है, ऑटोकैड फ्यूजन है, उसका अल्टीमेकर क्यूरा है, थिंकरकैड है, मेस्कलैड है, सॉलिड वर्क है, किसी से भी आप कर सकते हो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, आप देखो ये दो तरीके की चीज़ें होती है, दो तरीके की मशीनें होती है नॉर्मली जो यूज़ करते हैं लोग 3D प्रिंटिंग के लिए, कॉन्क्रीट के लिए। एक ये आता है क्रेन वास्प सिस्टम, ये जो वास्प है ये कंपनी है जिसने ये वाली क्रेन सिस्टम को बनाया है 3D प्रिंट करने के लिए। वास्प का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सेविंग प्रोजेक्ट सिस्टम। अब इसके बाद आता है रोबोटिक आर्म्स, जो कि ये है, आप देख सकते हो रोबोटिक आर्म्स, जिसमें रोबोटिक आर्म्स होता है, ये रोबोटिक आर्म्स हो गया आपका, और यहां पे नोजल होता है जिसके थ्रू ये प्रिंट कर रहा है। यहां पे ये भी कंक्रीट प्रिंट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकता है, कंक्रीट प्रिंट होती है आज के जमाने में, ये रोबोटिक आर्म्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है कि मटेरियल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं हम 3D प्रिंटिंग के लिए। तो मटेरियल बहुत सारे हैं आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ कंक्रीट की होती है, प्लास्टिक की होती है, नहीं, जो नॉर्मली मैंने 3-4 लिखे ये और भी बहुत ज्यादा है मटेरियल, PLA से कर सकते हैं, नायलॉन से कर सकते हैं, कंपोजिट जो भी मटेरियल है उससे कर सकते हैं, जैसे कार्बन फाइबर है, कैलवर है, फाइबर ग्लास है, रेजिन से कर सकते हैं, क्ले प्रिंटिंग कर सकते हैं आप, कंक्रीट प्रिंटिंग कर सकते हैं, स्टील की भी प्रिंटिंग कर सकते हैं आज के ज़माने में, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है सिविल की, जो कि इंडिया में बहुत रेयर है कि हमें पता लगता है कुछ भी। अब आगे, हम सिविल इंजीनियर है तो हमें क्या चाहिए एग्जांपल के लिए, ऑब्वियसली हमारे फील्ड से रिलेटेड चाहिए, चाहे वो कॉन्क्रीट का हो, क्ले का हो, स्टोन का हो, या फिर हमारे स्टील का हो, इन सब का चाहिए। जो अलग मटेरियल्स है जैसे PLA है, नायलॉन है, ये सब हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है, हमारे लिए ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये तीनों के बारे में जानना है। अब इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, इसमें आप देखो क्ले प्रिंटिंग की बात करते हैं हम, तो क्ले प्रिंटिंग होता है द फर्स्ट प्रोटोटाइप 3D प्रिंटेड हाउस मेड आउट ऑफ क्ले टेक्ला वॉज कंप्लीटेड द लो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कंप्लीटेड बाई टेक्ला होगा, द लो कार्बन हाउसिंग वॉज प्रिंटेड बाई टू लार्ज सिंक्रोनाइज आर्म्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ लोकली सोर्स्ड सोयल एंड वाटर एज वेल एज फाइबर फ्रॉम राइस हंक एंड बाइंडर। अब यहाँ पे कुछ सिंक्रोनाइज आर्म्स लोकली सोर्स्ड ऑयल बाइंडर के लिए काम होता है, हाँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो टर्म्स मैंने मार्क किए, पहला है सिंक्रोनाइज्ड आर्म्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, ये है अपना सिंक्रोनाइज्ड आर्म, इसी को क्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को सिंक्रोनाइज्ड आर्म भी बोलते हैं, और ये रोबोटिक आर्म है, ठीक है। अब वापस वहीं चलते हैं जहाँ पे हम छोड़ के आए थे, अब बात करते हैं हम अपने सिंक्रोनाइज्ड आर्म्स को, जो मैंने दिखा दिया आपको वो एज अ क्रेन ही समझ लो आप, कि क्रेन होता है जो 3D प्रिंट कर सकता है, जैसे क्रेन से हम लोड उठा सकते हैं, कोई भी मटेरियल उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, इससे हम प्रिंट कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मटेरियल इनपुट दो वो प्रिंट करके देगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बड़ी बात है लेकिन ठीक है। अब टेक्ला ने जो हाउस बनाया था वो बनाया था वहाँ के लोकल सोयल से, और फाइबर के लिए उन्होंने यूज़ किया था राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है, जो चावल हम निकालते हैं पैटी से, तो चावल निकलने के बाद वो कुछ बच जाता है वेस्टेज, जो हम नॉर्मली अगर कोई गांव का होगा तो उसे पता होगा कि हम जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको फीड करते हैं उससे,
तो उसके लिए काम आता है, वो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होता है। वो उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे, ये पुराने ज़माने में भी यूज़ होता था, जब हमारे मिट्टी के घर होते थे तो उस पर एज अ प्लास्टर मिट्टी लगाते थे ताकि वो थर्मल इंसुलेशन दे सके, तो उसके लिए भी ये यूज़ होता था, राइस हस्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है, द फर्स्ट मॉडल वॉज डिजाइन बाई द इटालियन आर्किटेक्चर स्टूडियो MCA इंजीनियर एंड बिल्ड बाई इटालियन 3D प्रिंटिंग एनालिसिस्ट वास्प बाई April 2021। अब ये वास्प आ गया आपका, वर्ल्ड एडवांस सेविंग प्रोसेस प्रोजेक्ट। ये April 2021 में कंप्लीट किया था टेक्ला ने अपना फर्स्ट 3D प्रिंटेड क्ले हाउस बना के। कॉन्क्रीट हाउस नहीं है ये क्ले हाउस है, तो आप ये ध्यान रखना। अब आगे मैं दिखा देता हूँ कैसे बनाया था उन्होंने, ये आप देख लो। ये है वो क्ले हाउस, टेक्ला हाउस जिसको भी बोलते हैं। तो ये 3D प्रिंटेड है, आप ये देख सकते हो, ये सिंक्रोनाइज्ड आर्म्स, ये वास्प क्रेन, ये ऐसे प्रिंट किया गया था। अब ये डोम के शेप में क्यों किया गया था, क्योंकि अगर आपको पता हो, ऑब्वियसली पता होगा, आप सिविल इंजीनियर हो, तो जो हमारी कर्व होती है ना, या फिर बोल सकते हैं हम उसको आर्क होती है, आर्क बहुत ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, मतलब नॉर्मल हॉरिजेंटल या वर्टिकल कंपेयर में, और यहाँ पे बिना रेनफोर्समेंट के हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आर्क बनाना सबसे बेटर ऑप्शन था, इसलिए इन्होंने आर्क से यूज़ किया है। अब यहाँ पे सोचोगे आप, ये क्यों डाल रखा है, ये हॉलो होता है। जब हम 3D प्रिंट करते हैं तो एक ऐसे लेते वायर, एक ऐसे लेते वॉल, तो ये दोनों वॉल के बीच में ना ये गैप छूट जाता है, तो इसको अगर नहीं फील करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों वो गिर जाएंगे, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ होगा नहीं ना। हमने पढ़ा है कि अगर टू और मोर वॉल्स है तो उसको सपोर्ट करने के लिए या तो वो सॉलिड हो, अगर होलो है तो उसको होलो को कहीं से तो सपोर्ट करना होगा ना, अदरवाइज दोनों एक दूसरे में ही चिपक जाएंगे और गिर जाएंगे, तो कोई मतलब रहेगा नहीं उस चीज़ का। उसी को बचाने के लिए ये कर्व यूज़ करते हैं 3D प्रिंटिंग में, जो कि सपोर्ट करता है। आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वो यूज़ किया गया है, फील कर दिया गया, नहीं, ये ऐसा यूज़ किया गया कि लाइट वेट भी रहे, मटेरियल भी कम यूज़ हो, वेस्टेज भी कम हो, और हमारा काम भी कर जाए, इसके लिए इन्होंने कर्व यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉन्क्रीट प्रिंटिंग की। सीमेंट बेस्ड 3D प्रिंटिंग डिपॉजिट द नीड ऑफ कन्वेंशनल मोल्डिंग बाई प्रिसाइजली प्लेसिंग और सॉलिडिफाइंग स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन सिक्वेंशियल लेयर बाई अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड पोजिशनिंग प्रोसेस। दिस 3D प्रिंटिंग अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरल स्टेजेस, डाटा प्रिपरेशन, कॉन्क्रीट प्रिपरेशन एंड कंपोनेंट प्रिंटिंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो हमारा 3D प्रिंटिंग है वो कन्वेंशनल मोल्डिंग पे ही काम करता है, लेकिन प्रिसाइजली प्लेसिंग और सॉलिडिफाइंग स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन सिक्वेंशियल लेयर बाई कंप्यूटर कंट्रोल पोजिशनिंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि ये भी वैसे ही काम करता है जैसे कन्वेंशनल मोल्डिंग पे काम करता है। अब आप पूछोगे मोल्डिंग होता क्या है, मोल्डिंग होता है किसी भी एक फिक्स्ड फ्रेम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे हम यूज करते हैं मोल्डिंग अपना फ्रेमवर्क को भी बोल सकते हैं, जो कॉलम बीम और स्लैब्स में यूज होता है, सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो मोल्डिंग है उसी पे काम करता है, लेकिन ये प्रिसाइजली प्लेस होता है और सॉलिड किया जाता है, जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम को सॉलिडिफाई करके चलता है, वो भी सिक्वेंशियल लेयर में, मतलब एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, सिक्वेंशियल लेयर इसको बोलते हैं कि एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद आगे आगे बढ़ते जाएगा, वो लेयर में काम करता है। और ये काम कैसे करता है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोसेस के थ्रू, जैसे हम कह रहे थे ना स्टार्टिंग में कि वो ऑटोकैड से इनपुट देते हैं ऐसा, तो उसी प्रोसेस को बोल रखा है यहाँ पे, कंप्यूटर कंट्रोल्ड पोजिशनिंग प्रोसेस। दिस प्रिंटिंग अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरल स्टेजेस। अब इसमें 3 स्टेज है, डेटा प्रिपरेशन जिसमें हम डेटा लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करनी है, मान लो कोई ब्रिज प्रिंट करना है, कोई मोल्ड प्रिंट करना है, तो उसके लिए डेटा चाहिए ना कि वो उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, कितना गैप रखना है, कितना लोड है, सब कुछ देना होगा। उसके बाद कॉन्क्रीट प्रिपरेशन करते हैं, कौन सा ग्रेड चाहिए, कहाँ पे कितना चाहिए, वो सब कुछ। उसके बाद आता है कंपोनेंट प्रिंटिंग का, यानी कि ये तीन दोनों होने के बाद पहले हम डेटा लेते हैं, उसके बाद हम कंक्रीट बनाते हैं, या फिर बोल दो हम प्रिपरेशन करते हैं कंक्रीट की, अपने मटेरियल की, उसके बाद आता है कंपोनेंट प्रिंटिंग, उसके बाद स्टार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पाथ एंड डेटा जनरेशन की। अ जनरल अप्रोच इज टू स्लाइस अ 3D शेप इनटू फ्लैट थिन लेयर विद अ कांस्टेंट थिकनेस व्हिच कैन बी स्टैक्ड अप ऑन ईच अदर। कहने का मतलब ये है इस लाइन में कि जो भी हमारी एक जनरल अप्रोच होती क्या है 3D प्रिंटिंग में, कि जो भी हमारी वो है ना ऑब्जेक्ट है जिसको प्रिंट करना है, उसको हम थिन लेयर में बांटते हैं। अब वो कॉन्स्टेंट लेयर होता है, उसमें डिवाइड करते हैं और उसको एक के ऊपर एक रख के उसको स्टैक्ड अप
ऑन ईच अदर, यानी कि एक के ऊपर एक रख के चिपकाते हैं। दूसरी चीज है, ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ अ काउंटर लाइन एंड फिलिंग पैटर्न विच कैन बी काउंटर लाइन फिलिंग पैटर्न एंड काउंटर लाइन इम्प्लांटेड एंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर और स्पेस फिलिंग कर्व्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ काउंटर लाइन एंड फिलिंग पैटर्न विच कैन बी इम्प्लांटेड एज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर और स्पेस फिलिंग कर्व्स। अब हम कह रहे थे आपको कि जो हम 3D प्रिंटिंग यूज इसलिए करते हैं ज़्यादातर, ताकि हमारा टाइम बच जाए, मटेरियल वेस्ट ना हो, और कम से कम मतलब मटेरियल लगा के अच्छे से अच्छा हम ऑब्जेक्ट अचीव कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो होता क्या है, उसके लिए आपको काउंटर लाइन बनाना होगा, फीलिंग पैटर्न भी बनाना होगा। काउंटर लाइन होता है कि कोई भी इमेजिनरी एक लाइन, जैसे हम कह रहे थे कि ऐसे दो वॉल बनाएंगे तो इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन और फीलिंग पैटर्न ये हमें बनाना होता है, जो कि हम कर्व यूज कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे ये कर्व नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे बस दो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाएगा, एक वॉल ये रहेगा एक वॉल ये रहेगा, तो बीच में ये वॉइड रहेगा, हनीकॉम्ब बोल सकते हैं इसको। इसको फिल करने के लिए हम कर्व यूज करते हैं। अब इसी कर्व को यहाँ पे स्पेस फिलिंग कर्व बोला गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दिस मेथड रिजल्ट इन क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट सर्फेस बिटवीन टू लेयर्स। अब ये जो मेथड है उसके वजह से जो हमारी टू लेयर्स है उसके बीच में कांटेक्ट बना रहता है, जो हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे एक के ऊपर दूसरा लेयर स्टिक करते हैं। तो स्टिक करने के लिए दोनों लेयर का ऐसा नहीं है कि एक जैसा हो तो भी चलेगा, अलग हो तो भी चलेगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक के ऊपर एक वो स्टिक होनी चाहिए, यानी चिपकनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वंस द फ्रेश कॉन्क्रीट हैज बीन प्लेस्ड इन टू द कंटेनर इट कैन बी कन्वेयर्ड थ्रू द पंप पाइप नोजल सिस्टम टू प्रिंट आउट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट फिलामेंट। कहने का ये है, एक बार हम कॉन्क्रीट प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद उसको हम भेज देते हैं अपने टैंक में, उसको टैंक में डालेंगे, उस टैंक के बाद फिर वो वहां से अपना पंप में जाएगा, पंप से पाइप में जाएगा, पाइप से फिर नोजल में नोजल सिस्टम में जाके फिर प्रिंट होगा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट। मतलब बहुत बड़े एक ऑब्जेक्ट का एक फाइन लेयर बोल दो, उसको फिलामेंट बोलते हैं नॉर्मली, तो वो फिलामेंट वर्ड इसलिए यूज किया गया, वो केमिस्ट्री वाली नहीं है ना, फिजिक्स वाली फिलामेंट है ना बल्ब वाली, तो इसलिए वो यूज किया गया सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट फिलामेंट। आगे बढ़ते हैं, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन द डिलीवरी सिस्टम एंड द डिपोजिशन डिवाइस। अब यहाँ पे कहा गया है जो कॉन्क्रीट मिक्स है वो डिपेंड करता है कॉन्क्रीट सिस्टम की कौन सा मिक्स तैयार कर रहे हैं हम। अलग अलग मिक्स होते हैं, हमें पता है M15, M20, M25 अलग अलग होते हैं, तो जैसा होगा वैसा मतलब जो सिस्टम है ना, अलग अलग सिस्टम होगा कि बहुत सारे हमारे वो है 3D प्रिंटर है, बहुत सारे 3D प्रिंटर ऐसे हैं जो M20 से आगे नहीं काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एग्रीगेट को पास नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग अलग प्रिंटर है, तो वो डिपेंड करता है जैसा भी प्रिंटर होगा वैसा हम कंक्रीट बना के उसमें डाल सकते हैं, जितनी भी उनकी लिमिट है उस 3D प्रिंटर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, ये ब्रिज 3D प्रिंटेड है चाइना में, आइए आप देख सकते हो ये कितना लोड कर सकता है बियर, इतनी स्ट्रेंथ है इसकी। तो आप ये ना सोचे कि 3D प्रिंट हो रहा है तो ये लोड बियर नहीं कर सकता है, नहीं, हम सिविल इंजीनियर है, हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस देख के डिज़ाइन करते हैं, इसलिए ये इतना लोड बियर कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी ब्रिज की, सेम ब्रिज की ये डिटेल इमेज है। यहाँ पे आप देखो ये लेयर्स में डिवाइडेड है, ये एक के ऊपर एक लेयर रख के बनाई गई है। अब ये हॉरिजेंटल आपको वर्टिकल दिख रहा है, एक्चुअली में इसको हॉरिजेंटल बनाया जाता है, फिर इसको जहाँ पे मन हो वैसे डाल सकते हैं आप। एक चीज और भी देखने लायक है, आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे चेंज है लेयर। ये लेयर एक्चुअली में ये मोल्ड में डिवाइडेड है, मोल्ड का मतलब है ये अलग अलग बना हुआ है, इतना इतना ये इतना ऑब्जेक्ट बनाया गया एक बार, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक बनाया गया, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक बनाया गया, इसको लाया गया साइड पे, साइड पे लाके जॉइंट किया गया। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं किसी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, मिल जाएगा आपको नॉर्मली, लेकिन वो चाइनीज में होगा, हिंदी में नहीं है कहीं भी वीडियो, और ना ही हिंदी में कहीं ऐसा कुछ बताया जा रहा है अभी भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग बनाया गया है पार्ट्स में, उस पार्ट्स को साइड्स पे लाके ज्वाइन किया गया है, तो इसलिए ये वाली मटेरियल साइड पे फिल की गई, इसलिए अलग दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब ये एक ऑफिस है दुबई में, जहां पे हर रोज
अप्रोक्सीमेटली 700 से ज़्यादा लोग काम करते हैं हर एक रोज़। 3D प्रिंटेड ये पूरी की पूरी ऑफिस है, ये हमारे शेख साहब दुबई के। अब बात करते हैं इसकी, ये एक 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है दुबई में। अब यहाँ पे भी ये कर्व यूज़ किया गया जो मैं बात कर रहा था, ये कर्व। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो मैं बता रहा था आपको कि स्टील प्रिंटिंग, तो उसका एग्जांपल है ये एम्स्टर्डम नेदरलैंड में है ये ब्रिज, जिसको कंटिन्यूसली 6 महीने स्टेनलेस स्टील से प्रिंट किया गया था, तब जाके ये बना है। ये 12.5 मीटर लॉन्ग है, 6.3 मीटर वाइड है और अराउंड 4500 केजी से ज़्यादा स्टील यूज़ हुआ है इसको प्रिंट करने में। 6 महीने तक लगातार प्रिंट किया गया है इसको, तब जाके ये कंप्लीट हुई है ये ब्रिज। तो आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको यहाँ पे लेयर बाय लेयर दिख जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज है नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप जॉइंट किया गया है। और हाँ, ये एक चीज़ बता दूँ इसमें, ये जो एल्युमिनियम ब्रिज थी ये यहाँ से लेके और एंड तक प्रिंट की गई थी एक ही बार में। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार जॉइंट किया गया, नहीं, उसको प्रिंट करके फिर ये जो लास्ट का कर्व वाला पार्ट है ना, बस ये साइड पे जोड़ा गया है, बाकी सारी प्रिंट करके डेक ला के रखी गई थी यहाँ पे। अब बात आती है इंडिया क्या कर रहा है इस बात। तो इंडिया में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काम स्टार्ट कर चुकी है। अब ये मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल्स है इसके, ऐसा नहीं है। आप ये देख सकते हो घर, सिंगल स्टोरी, ये L&T ने 22 स्क्वायर मीटर का बनाया था 2019 में 3D प्रिंट करके। आप इसके देख सकते हो, आप कर्व देख सकते हो पूरी, ये देखो आप लेयर बाय लेयर ये डाल रखा है सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इवन जो फर्नीचर है उसको भी कर रखा है। आप ये चीज़ ध्यान देना, ये फर्नीचर को भी 3D प्रिंट कर रखा है इन्होंने, चेयर को भी आप देख सकते हो, ये हनीकॉम बना रखा है स्ट्रक्चर, ताकि लोड तो बियर कर जाए लेकिन मटेरियल ज़्यादा यूज़ ना हो, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद एक और बिल्डिंग बनाई थी 2021 में, कंप्लीट किया L&T ने बना के, डुअल स्टोरी है, ये भी आप देख लो, एक स्टोरी यहाँ तक है और दूसरी यहाँ तक है, ये सेकेंड ये फर्स्ट। तो ये दो हमारी 3D प्रिंटिंग के लिए काम कर रही है L&T। अब हाँ, ये बात है कि हम अभी इसको यूज़ नहीं कर सकते हमारे कंट्री में, ये अभी फर्स्ट स्टेज में ट्रायल पे है, चल रही है, धीरे धीरे आएगा जैसे हमारे यहाँ हमेशा आता है धीरे धीरे। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अब होता क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप ये चीज़ छोड़ के इस पर शिफ्ट हो जाओ, या पुरानी जो भी मेथड है उसको छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, तो कोई भी इंसान, नॉर्मल जेन्युइन सी बात है, वो पूछेगा कि मैं क्यों हो जाऊँ, क्या बेनिफिट है इसके। ऑब्वियसली मैं भी पूछूंगा, कोई मेरे को कहे तुम पराठे छोड़ के रोटी पे शिफ्ट हो जाओ, तो पूछूंगा ना कि क्या बेनिफिट्स है। तो वो बात आती है, अब यहाँ पर आप देखो मैं बेनिफिट्स बताता हूँ आपको 3D प्रिंटिंग के। इंजरी जो होती है हमारी लेबर की, या फिर जो भी हमारे वर्कर काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उनकी इंजरी को कम करता है। कैसे कम करता है? लेबर कम लगता है, हाइट पे क्रेन काम करती है हमारी, रोबोटिक्स आर्म करते हैं, तो अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है ना, तो वो गिरेगा नहीं या कुछ होगा नहीं, तो इंजरी के चांसेस वैसे ही कम होते हैं। दूसरी बात आती है रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कम यूज़ होता है, मटेरियल कम यूज़ होता है क्योंकि वो हनीकॉम स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन हनीकॉम ऐसा बनाता है जो लोड बियर कर सकते, यानी कि कर्व बनाता है, हनीकॉम फिलिंग कर्व। तो उसके वजह से कर्व के बीच में जब वो गैप छूटी रहती है, वॉल के बीच में जो गैप रहती है हमारी, उसके वजह से एक चीज़ होती है मटेरियल कम यूज़ होता है, कम यूज़ होता है तो हमारी कॉस्ट भी कम होती है। तीसरी चीज़ आती है क्विकर कंस्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि कई बार होता है चीज़ें, जैसे अभी कोविड के टाइम देख लो आप, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद थी, अगर हम वहाँ पर मशीन यूज़ कर रहे हैं तो बंद ही नहीं हो सकती है, तो इसके लिए ये सब चीज़ें काम आती है। तो अगर कोविड में बंद नहीं हुई होती तो हमारी इंडस्ट्री चल रही होती, ऑब्वियसली आसानी से चल रही होती, कोई दिक्कत ही नहीं होती उनको। इसीलिए क्विकर कंस्ट्रक्शन बोला गया है कि आप किसी भी कंडीशन में उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप कभी नहीं कर सकते, तो 24/7 चाहिए आपको, 24/7 काम करके देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए क्विकर कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद चीपर कंस्ट्रक्शन ओवरऑल, ये आप समझ सकते हो खुद ही कि अगर मटेरियल कम होगा, लेबर कम यूज़ होगा, इंजरी कम होगी, सब कुछ जब कम होगा तो कॉस्ट भी कम आएगा, तो ये बोला गया है। फिर आता है न्यू मार्केट ओपन कर रही है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो कन्वेंशनल हमारे पैटर्न से चलते आ रहा है कि लेबर होगा, सीमेंट यूज़ करेगा, ब्रिक्स यूज़ करेगा, अलग अलग चीज़ें, तो उस टाइम क्या होगा, वो मार्केट बहुत ज़्यादा वास्ट है। आज पता है आपको, हर दूसरी जगह, हर दूसरी गली में चले जाओ, एक ना कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा, या तो आपको, या तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर मिल जाएगा। तो
इस चीज के लिए नई मार्केट क्रिएट हो रही है कि 3D प्रिंटिंग अब आएगी। तो जो अच्छे लोग हैं ना, जो मतलब ऐसा है कि जिनको इम्प्रूव करना है, या फिर जो चाह रहे हैं कि मैं जो अपना कन्वेंशनल मेथड है वो छोड़ के नई चीज़ों पे शिफ्ट करूं, उनके लिए नई मार्केट ओपन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अगली बात ये है बेटर ड्यूरेबिलिटी। हम जानते हैं कॉन्क्रीट जब हम बनाते हैं नॉर्मली या फिर प्लेस करते हैं कहीं भी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि वो मतलब प्रॉपर उसकी क्यूरिंग हो रही है, प्रॉपर हमारी मटेरियल मिक्स हुई है, मटेरियल बना है। ये ड्यूरेबल इसलिए होगा क्योंकि हम जब लैब में बनाते हैं ना कंक्रीट को, तो वो लैब में हम सब कुछ देख के चलते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर बैठे रहते हैं साइट पे। कितना भी आप कर लो, साइट पे गड़बड़ होती है, ये बात फैक्ट है। मैंने भी काम किया, मेरे को भी पता है साइट पे गड़बड़ होगी ही होगी, तो उस चीज़ को बचा सकते हैं, तो इसलिए ये बेटर ड्यूरेबल होता है। फिर आती है ब्रांड इम्प्रूवमेंट। ब्रांड इम्प्रूवमेंट इसलिए होगा, जैसे L&T की मैं बात कर रहा हूँ, L&T के अलावा और कोई कर रहा हो इंडिया में, मेरे को पता नहीं है, साउथ इंडिया में भी कर रहा होगा कोई, एक दो शायद है भी, याद नहीं मेरे को। तो L&T के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी ब्रांड इंप्रूव होगी, वो 3D प्रिंटिंग कर रहे, वो इन्वेंशन कर रहे इंडिया में सबसे पहले, तो ऑब्वियसली उनकी ब्रांड इंप्रूवमेंट होगी। उसके बाद आती है ईज ऑफ एक्सेस। इसमें ईज ऑफ एक्सेस का कहने का मतलब ये है कि आप जैसे इनपुट दे रहे हो ना AutoCAD में, तो इनपुट देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, मटेरियल देना है वो खुद कर लेगा सरफेस पे प्रिंट, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंपोनेंट में उसको प्रिंट कर रहे तो आपको एक दो लेबर लगेंगे लास्ट में जो वो जॉइंट करने के लिए, अदरवाइज वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक चीज़ होगी ईज ऑफ एक्सेस। फिर आता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहने का मतलब ये है कि हम जब कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उससे बहुत सारी हार्म गैसेज निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सीमेंट को वाटर में मिक्स करते हैं तो, जैसे हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में पढ़ लो या अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होता है हमने लैब में, कि जब हम सीमेंट डालते हैं तो उसमें से जो बबल होते हैं वो गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, तो वो कम होते हैं क्योंकि हम मटेरियल कम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम होगा वो यूज, तो सीमेंट भी कम होगा, तो इसलिए यूज़ करते हैं। साथ ही जब कंक्रीट प्लेस कर देते हैं, क्यूरिंग करते हैं, तो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं ताकि वो सॉलिड हो सके कंक्रीट, उस टाइम भी ये काम आ जाएगा अपना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। फिर आता है रैपिड प्रोटोटाइप। बुर्ज खलीफा का अगर एग्जाम्पल ले तो उसमें विंड एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, विंड की पावर, कि वो पूरी की पूरी जो पहला बनाया गया था बुर्ज खलीफा का वो मॉडल, उसको गिरा दे रहा था एक साइड से, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो है डेजर्ट है तो वहाँ पे आंधी आते रहती है, ये दिक्कत थी। तो उसको चेंज करने के लिए इन्होंने विंड एनालिसिस किया। विंड एनालिसिस करने के लिए उन्होंने 3D प्रिंट किया था बुर्ज खलीफा के नए डिजाइन को, जो आजकल हम देखते हैं ना कि ऐसे वाले डिजाइन, ये 3D प्रिंट किया गया था। तो ये 3D प्रिंट करने के बाद इसको आगे फिर यूज़ किया गया, पता लगा कि हाँ ये काम कर सकता है, इधर से विंड आ रही थी तो ये कर ले रहा था बियर, इधर से आ रही थी तो ये बियर करता था, इधर से आ रही थी तो ये, तो उसके बाद आगे बढ़ा गया। तो ये चीज़ हो गई, अब बस इतना ही होता है आपके, बता दूं मैं 3D प्रिंटिंग में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एक वीडियो में बताना इतना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ एक वीडियो में मैं आपको बता दूं। तो आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपको जानना हो और साथ ही साथ आपको पढ़ना हो सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट, उन सब के लिए आप हमारे चैनल सॉलिट्यूड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे दबा ले, और थैंक यू।